नमस्कार दोस्तों, टूल बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश और आज हम लोग WD-40 के बारे में जानने वाले हैं। WD-40 क्या है और ये हम लोग घर पे कैसे यूज करते हैं और इससे प्लांट में किन किन चीज़ों में काम आता है और इसे कैसे यूज किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं WD-40 क्या है, पहले समझ लेते हैं। यह एक रस्ट क्लीनर है। इससे हम लोग बोल्ट का या किसी भी चीज़ का रस्ट को क्लीन कर सकते हैं। और इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका ये वज़न 170 ग्राम है और 170 ग्राम है और इसका प्राइस जो रेट है 215 रुपया है। और ये किस किस यूज में आता है पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये चर्मराहट को रोकता है, जैसे किसी भी चीज़ का साउंड होता है उसको साउंड को ख़त्म करता है। जैसे ये आपका पंखे का आवाज़ है या दरवाजे का आवाज़ होता है उसका साउंड को ये इसका स्प्रे को मार देने से उसका साउंड कम हो जाता है। और ये नमी को बाहर करता है, जैसे आपको मोटर असेंबल करना है या गियर बॉक्स असेंबल करना है तो उसको क्लीन करके और इसको स्प्रे को मारने से उसमें जो हल्का फुल्का नमी रहता है, पानी की थोड़ा सा अंश रहता है, वो बाहर निकल जाता है। और ये साफ़ सुथरा रखने में आसानी होता है, इसको मार देने से आसानी से क्लीन हो जाता है। यदि आपका कोई बोल्ट खुल नहीं रहा है, बोल्ट में बहुत ज़्यादा रस्ट पकड़ा हुआ है, स्प्रे को मार के कुछ देर तक छोड़ देने के बाद में और साफ़ करके उसको खोलने में ये आसानी करता है और खोलने में इसको मदद करता है, जल्दी से खुल जाते हैं बोल्ट। किसी भी पार्ट्स में असेंबल करने के लिए पार्ट्स है, उसमें आपको चिपचिपाहट है, आयली है या ग्रीस लगा हुआ है, तो यदि हम लोग इसको स्प्रे को मार के और क्लीन करते हैं तो जल्दी से क्लीन हो जाता है। ये घरेलू काम में भी उपयोग में आता है। दरवाजे में आपका जो क्लैंप होता है उस पर मार देते हैं, चरमराहट रोकता है। आप साइकिल या बाइक के चेन में भी इसको मार सकते हैं। बाइक का जो प्लग है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आता है, तो प्लग को निकाल के स्प्रे मार देने से आपका बाइक स्टार्ट होने में स्टार्ट करने में मदद करता है। और इसके अलावा ताला, जो कि आपका ताला अटक रहा है, ताला खुल नहीं रहा है, या फिर बैग वगैरह का चेन है, चेन में बंद होने में खुलने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये स्प्रे मार देने से आसानी से खुल जाता है। बाइक में यदि लॉकिंग में प्रॉब्लम है तो बाइक का जो चाबी की होल है उसमें मार सकते हैं, कार का की होल में स्प्रे को मारने से आपका खोलने में मदद करता है। ये आप पे जैसे लॉक ताले में, एक ताला मैंने रखा है और ताले में यदि आपको खोलने में बंद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके होल में ऐसे स्प्रे मार देंगे और चाबी से इसको घुमाएंगे तो आसानी से खुल जाएगा और खुलने में मदद करेगा, जो फंसता है वो फंसने नहीं देगा। इसके बाद बोल्ट जो कि ज़्यादा रस्टेड है या क्लीन नहीं है, तो क्लीन करने के लिए हम लोग एक स्प्रे ऐसे मार के देखते हैं। स्प्रे ऐसे मार देंगे, स्प्रे मारने के बाद में देखिए कितना सारा आपको कचड़ा निकल रहा है इसमें से। स्प्रे मार के कुछ देर छोड़ देने से ये साफ़ हो जाता है, देखिए कितना सारा कचड़ा निकल रहा है। और इसको क्लीन कर देंगे तो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है और अच्छा भी दिखता है। देखिए ये बोल्ट अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ साफ़ करके, ये पहले से बहुत ज़्यादा साफ हो गया है, ये अच्छा दिख रहा है। और हम लोग इसको एक दरवाजे में कहाँ यूज करना है, दरवाज़ा का भी एक यूज देख लेते हैं। आप दरवाजे का क्लैंप में यहाँ पर इसको मार के यूज कर सकते हैं। इसको मार देने से आपका जो कचरा है बाहर हो जाता है और जो साउंड आता है वो साउंड भी बंद हो जाता है। स्प्रे मार के थोड़ा देर के बाद हम लोग इसको क्लीन कर देंगे तो पहले से बहुत अच्छा और ज़्यादा साफ़ हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। साफ़ हो जाने के बाद में एक बार इसको बंद करके भी हम लोग
देखेंगे बंद हो रहा है कि नहीं बंद हो रहा और क्या स्थिति है। तो एक बार इसको हम लोग बंद करके भी देख ले रहे हैं, देखिए बहुत स्मूथली आसानी से बंद हो रहा है और कोई साउंड भी नहीं है। तो इस तरह से आज आपने WD-40 के बारे में समझा है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।